सुनो, लड़का है। अरे सुनो, वीडियो बनाते हैं, कैमरा चल रहा है, कैमरा बोल लो। चलिए, क्या नाम रहता है चाचा अपना? मेरा नीलेश। नीलेश जी? अच्छा, नीलेश जी जी? नहीं नहीं, आपसे जी कह रहा हूँ। अच्छा, मेरा नाम सिंगम है। आप दिल्ली से हो जी? सिंगम? हाँ, दिल्ली से। क्या करते हो? मेरा तो पेंटिंग वर्क सर। अच्छा, यही से लीजिए। तो हमें घूम के आना पड़ेगा, मार्केट है वहाँ आगे। गर्मी आजकल इतनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी है। मेरा तो पेंटिंग वर्क है सर। अच्छा जी जी जी, पुट्टी वाल पुट्टी वगैरह। हाँ, कोई काम करता हूँ जैसे। हाँ, अच्छा, तो ये भैया वगैरह जाने हैं मुझे सब, कोई भी सब के सभी हमारे, उनका नाम नहीं आता, भाटीजी का याद नहीं है हमें तो। किन का नाम? हमारे भाटीजी है दिल्ली की। अच्छा अच्छा, ये जो इनके रिश्तेदार है या मोहित भाटी वगैरह, तो वो पुट्टी उट्टी काम करते हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पुट्टी कलर वगैरह। गर्मी इतनी हो रही है कि आदमी बाहर मिलते ही नहीं। जी जी जी, बिल्कुल नहीं। कितना इधर देख लो, एक लो इंसान नहीं मिलता बाहर। बहुत गर्मी बढ़ रही है। गर्मी वैसी बढ़ रही है, तो सर हमें तो काम करना चाहिए, बाहर हो या अंदर हो। क्या नाम बताया आपने? नीलेश। नीलेश? नीलेश जी जी, मेरा नाम सिंगम है। हाँ, आपने बताया था। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं झांसी का हूँ सर। झांसी? जी जी जी, बहुत अच्छे। तो क्या है ना, हमें तो देखो सर, ऐसा है धूप हो छा हो। हाँ, करना तो करना है। बिल्कुल सही बात है। फिर काम करने के बाद भी जब झाड़ी नहीं मिले तो उससे बड़ी मुसीबत हो। वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत है। अब करे तो नहीं, क्या करे बताओ। कि कम काम कर लिया, फल नहीं मिला। हाँ, ऐसे ही चलेंगे और ऐसा। वहाँ उस वाले पेटीएम से पैसा निकाल। अच्छा अच्छा, क्यों? मेरा थोड़ा जो वो एटीएम कार्ड है ना जी जी, अलग है, वो सब बैंक से उससे नहीं निकलता पैसा। शाबाश। तो वो ऐसे गुमसुम बैठा था। हाँ, भैया जाते हुए देखा इन्होंने मुझे। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने पहचान लिया। चलो, तो उन्होंने बुलाया मुझे, गाड़ी दिख रही भैया की। मैंने कहा हाँ, बैठ जाओ उनके साथ, आ जाओ। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा ना मेरा भी दिक्कत कर रखा साहब, जिसके अंडर में काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत दिक्कत कर रखा उन्होंने। क्यों जी? तालाब बना लिया है। हम्म, तालाब में डाल दिए 4 मगरमच्छ। अच्छा जी। हाँ, बड़ा तालाब है। हाँ, हाँ। मगरमच्छ क्यों डाले? पालने के लिए, शौक है उनके बड़े बड़े। क्या बात कर रहे हैं, राजा भैया के समान बड़े बड़े। बहुत अलग उनका शौक है। बाप रे, अब 4 मगरमच्छ डाल लिया उनने। ये मगरमच्छ लाते कहाँ से? अब यही तो नहीं पता कहाँ से लाते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसे अलाउड करते हैं ये सरकार? अब मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ। हाँ, भाई मैं उनका अंडर में काम करता हूँ। हाँ, अब मुझसे बोला कि भैया कोई बंदा वंदा थे जो तुम्हें पता मगरमच्छ वगैरह मांस वास खाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो अच्छा बंदा काहे के लिए जी? मांस वास खिलाने के लिए उसको मगरमच्छ। बहन जी देखा दिन ना, बंदे कोई डाल दे उसमें मगरमच्छ खाने के लिए। कैसे? कोई बंदा ही ना डाल दे उसके अंदर। राजा भैया जो कहे करे, राजा भैया उत्तर प्रदेश के जो। अच्छा, राजा भैया को तो जानो? मैं नहीं जानता। जो बड़ी बड़ी हस्ती है राजा भैया, वो जब तालाब पाले है। हाँ, और जब कोई जाता है हूँ कर दिया तो सीधा ढकेल देता है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, राजा भैया का नाम चलता टॉपलर। नहीं, मैंने मायावती ने टक्कर लिया उससे, बाकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। नहीं, मेरे तो उसमें मैंने क्या करा भाई, एक बंदा रख लिया। अब वो बंदा क्या कर गया भैया, मांस देने के लिए गया मगरमच्छ को। जी जी, एक मगरमच्छ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो दूर से डालता ना, नजीक जाने की जरूरत। अब यही तो उसने बेवकूफी कर दी भाई, मांस तो ऐसे दूर दूर से फेंक दो तो खा लेगा अपने आप। अब वो गया उसको देखने के लिए, देने के लिए मतलब। अब उसने ऐसा अटैक करा उसके ऊपर जी भाई साहब, कमर पे अटैक कर दिया। ओहो, अब कमर पे जैसे अटैक करा पूरा खून खून, पूरा बेकार हो गया। खा तो नहीं लिया उसे? खाया क्या, ये देख लो बहुत बेकार हो गया, अभी एडमिट करवा रखा उसको लड़के को। अच्छा जी। और अब तुम्हें पता, जब किसी का खून अगर निकल रहा है। हाँ जी। अब उसको मगरमच्छ को खून उसका टेस्ट आ गया। जी जी बिल्कुल। अब उसको उसमें क्या हो गया भाई, जब तुम्हें पता किसी को इंसान का खून लग जाए या किसी को आदत पड़ जाती है, अब उसको क्या है भाई, खाना नहीं दे रहे जैसे, मतलब अब उसको मांस दे रहे हैं पर मांस खा नहीं रहा। अब कहाँ आप आपत आ रही है उसको, अब लग गया इंसान का
मांस का लत। हाँ भाई उसको खून तो इंसान का लग गया खून इंसान का लग गया उसको। अब मान लो तुम ही हो, अगर तुम्हें चार दिन रोटी ना मिले, जो चीज तुम खा रहे हो वो तुम्हें नहीं मिले, तो तुम तो भबराए घूमोगे ना इधर उधर फाड़ने के लिए आदमी को, समझ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज हो गया उसके साथ। और मालिक क्या कर रहा है, मेरे को धमका रहा है, मेरे से दिक्कत कर रहा है, कह रहा तू आदमी ला के दे अब कहीं से, काहे के लाने कि मगरमच्छ को डालने के लिए मिल जाएगा। है कोई तुम्हारे अंदर में, कौन है? कोई भी आदमी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगा ऐसा कोई? तो वहाँ टाइम कितना टाइम में पहुँचवा दोगे तुम? हमसे मुलाकात हो गई, मिल जाएगा आदमी। क्या बोला तूने? मिल जाएगा। लेकिन कितनी बार डालोगे तुम? अब वही है ना, आदमी पे आदमी चाहिए, ये सबसे बड़ी परेशानी यहाँ तक गई है। एक बार तो तुम डाल सको। मैं ये सोच रहा हूँ एक बार डाल के अपना छुटकारा हो जाए, मैं भी वहां से ड्यूटी वोटी छोड़ देता हूँ। और क्या है ना, दो मगरमच्छ उसमें ठीक है, दो बहुत खूनखार है। तो दो को अलग कर दो ना। अब इतना उसमें कहां से अलग करें, बीच में हिस्सा भी तो नहीं बना सकते हैं। जैसे दो है हाँ। तो दो में से एक पार्टीशन कर दो, दो को अलग कर दो जो मांस नहीं खाते। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये अटक रही है ना, अब कोई जाने को तैयार नहीं है। मैं तीन चार दिन से आदमी ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल जाए मिल जाए। अच्छा आप चल लो, खाने के लिए मगरमच्छ के लिए वहीं खाने के लिए। हाँ मगरमच्छ खाएगा मुझे और क्या बालक बच्चे भूखे मर जाएंगे। बताओ कि मैं तो परेशान घूम रहा हूँ ना, अब तो मेरे को कोई आदमी चाहिए। तुम टेंशन मत लो गुरुजी, नंबर दीजिए आप अपना। नंबर तो मेरा ट्रेस कर रखा है पुलिस पुलिस वाले सिस्टम को, मतलब तो उससे तुम क्यों डर रहे हो? फिर तुम्हें तो हम नंबर घुमाएंगे। हाँ ठीक। हाँ और नंबर घुमा के तुम्हें उससे पुलिस वालों को पास थोड़ा जाना तुम्हें, फिर या पर्सनली किसी का दे दो पास वाले का, जिससे तुम्हारा जैसी जान पहचान हो। नहीं अब तो मुझे तुम सही से लग रहे हो, तुम्हें अगर ले जाऊं तो हमें। हाँ भाई हमारे तो बालक बच्चे है गुरुजी, अब तो तुम्हें मुझे लग रहा है कि तुम चले जाओगे सही रहेगा, और बालक बच्चे भी पालना है। बताओ अगर चल लोगे तो बढ़िया रह जाएगा, 50,000 पे दिलवा दूंगा तुम्हें। मुझे 50,000 का क्या करना गुरुजी है? 50,000 क्या करूंगा बता? बताओ चल लो, क्यों मैं देखो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ इस चीज से। तो भाई मेरे को दिक्कत कर रही है ना, अभी चार लड़के भेजे थे मुझे पिटवाने के लिए। शाबाश कि किसी आदमी को दो, नहीं तो भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा। अच्छा हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया काम कर रहा है इंसान, यानी इंसान को इंसान खा रहा है। हाँ अब तुम्हें खाएगा, अब मुझे खाएगा। तुम्हें जाना पड़ेगा। बोलो चलो भैया हमें ले चलो, हमें तो बहन चाहते बालक बच्चे का ये हो जाएगा सत्कार। अब वो ऐसे डाल नहीं रहे हैं, अब एक एक करके पार्ट खिला रहे हैं बॉडी का, मुझे वो सबसे भयानक लग रहा है। अच्छा वो तुम्हें इस तरीके से काट काट के डाला जाएगा अंदर है? तो तगड़े मगरमच्छ पाले जी। हाँ तो तुम अपना कुछ बता दो, वो नंबर वंबर मैं तुम्हारा भिजवा देता हूँ, फैमिली वाले तुम्हारे पैसे वैसे ले लेंगे, तुम्हें मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। सर ऐसा कोई बात नहीं है, है? ऐसा कोई मैटर नहीं है। हाँ और ऐसा कुछ वो नहीं होता सिस्टम। तो बताओ, हर इंसान गरीबी में जीता और हर इंसान अपने हिसाब से जीता। और रही बात ऐसी खाने पीने वाली, अब भैया खूनी मगरमच्छ तो देखो चाहिए ना उसको तो मांस। अब अच्छा या तुम वहाँ ड्यूटी कर लो, अगर तुम बचा सकते हो अपने आप को तो बचा लेना। हाँ बताओ ड्यूटी कैसी करना है? वही मांस वास खिलाना है। कितने रुपए देता सैलरी? 50,000 रुपए सैलरी? हाँ। नहीं हो सैलरी इतनी तगड़ी भाई, जब ही तो अब उसको पता है ना इनके खूनखार है, आज न कल आदमी को मारे गई वो, तो वो सैलरी इतनी तगड़ी थोड़ा देगा? 50,000 रुपए दे रहा बहुत तगड़ा आदमी, मुझे दे रहा, मैं गाड़ी में नहीं घूम रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारी पर्सनल गाड़ी, मेरी गाड़ी नहीं है ये, तो मालिक की गाड़ी है, मैं तो चलाता हूँ उसको सुबह शाम। नहीं नहीं सही बता रहा हूँ। अच्छा यही तो मैं दिल्ली तो रहता हूँ वहाँ किराए पे, वहाँ से यहाँ आता हूँ काम करने के लिए। 72 में, हाँ 72 में बना रखा उन्होंने, किसी को नहीं पता इस चीज़ को। हाँ अब मैं तुम्हें वहीं लेके चल रहा हूँ, तुम्हें दे दूंगा उनको। अच्छा हाँ देखो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, मैं भी तो परेशान हो रहा हूँ ना, सारी दिक्कत यहाँ आ रही। अब तुम्हें दे के मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं हाथ धो लूँगा अपना अलग, अब तुम्हारे साथ जो करे वो अपने आप समझना तुम। और अच्छा जी भैया ऐसा मत करो गुरु जी, ऐसा मत करो गरीबी इंसान के साथ। भाई मैं ही क्या करूंगा ना, मैं मेरे को भी तो दिक्कत कर रहे ना आगे से। अब तो तुम्हें भोजन बनना पड़ेगा उसका मगरमच्छ का। है? हाँ। ऐसा नहीं होता,
अब होगा ना, अब ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा हो रहा है, ये लोगों को नहीं पता है, अब हो रहा है। अच्छा, मैं तो सब देखता हूँ भाई साहब, मेरे तो रात में नींद नहीं आती। अब तुम्हें जब मेरे को ले जाना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी काम। अब तुम्हें भोजन बनना पड़ेगा, मगरमच्छ का आज बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे हमारे, उससे मुझे मतलब नहीं है, अब तुम्हें लेके जाना पड़ेगा वहाँ। चार आदमी रख रखे उन्होंने आदमी आदमी कटवाने के लिए। अच्छा, तो गान फाड़ रहे हमारी भाई। क्या बोला तूने? गान फाड़ रहे हमारे। ना ना, हकीकत बात है, मैं इसलिए आपको लेके जा रहा हूँ। हाइट भी छोटी है तुम्हारी, काम भी हो जाएगा तुरंत तुम्हारा। अरे नहीं सर, नहीं नहीं सर, है नहीं सर। क्या नहीं सर? अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा भाई साहब। अरे नहीं, अब तो तुम्हें लेके जाना पड़ेगा मुझे। हमारे छोटे छोटे बालक ऐसे अंधेरे में तो काम होता ही है, नहीं तो पूरे दिन में काम नहीं होता। अभी अब इस टाइम तुम्हें लेके जाना, अब तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, और वो अपने आप ही कर देंगे चार जल्लाद रख करके उन्होंने। अच्छा, अरे नहीं सर, ऐसा मत करो। है ऐसा मत करो भाई साहब। मैं तुम्हें स्कीम समझा देता हूँ एक बार और, थोड़ा सा समझाओ समझाओ। देखो, तुम्हें लेके जाएंगे वहाँ, ठीक है, हाथ या पैर कहीं से इस तरीके से काटेंगे। सर, है? मत करो। और काटेंगे और उसको डालेंगे। हंसो मत, हंसोगे तो अभी उनको पता लग जाता है, ट्रेस कर रखा सब चीज, गाड़ी वाड़ी सब। अच्छा नहीं सर, ऐसा नहीं करो। है गरीब इंसान हूँ, मर जाऊंगा बेफालतू। तो तुम्हें जाना पड़ेगा अब तो वहाँ। नहीं नहीं, मगर मचकास तुम्हें भोजन बनना पड़ेगा। अच्छा हाँ, नहीं सर नहीं, बताओ मुझे बस दो सर, ऐसा ऐसे गलत काम मत करो। गलत काम मैं कहाँ कर रहा हूँ, मेरे से करवा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा मत करो। है देखो, मैं गरीब इंसान हूँ। हाँ, मैं रोजी रोटी कमाता हूँ, रोजी रोटी बालकों को। अब तो मैं आपको लेके चलना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, नहीं नहीं, ये चश्मा पहनो, देखो फिट आ रहा है तुम्हें? नहीं नहीं भैया, मैं कुछ ना पहनता हूँ। एक बार पहन के देखो। नहीं सर, नहीं, चश्मा देखो फिट आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारे? रोंगड़े खड़े हो गए है, तेज बोलो, कान में दिक्कत है। मेरे रोंगड़े खड़े हो गए, मैं ऐसे काम कर। रोंगड़े रोए खड़े हो गए मेरे। हाँ, ऐसे काम नहीं करता। चश्मा पहन के देखो, अगर तुम्हें फिट आ रहा नहीं आ रहा है, चश्मा उसमें रहे है, टोपी को ऊपर लगा के देख लो। गरीब इंसान को मत मरवाओ सर, क्यों मेरा ये कर रहे हो? अब लेके चल रहा हूँ तुम। नहीं सर, नहीं नहीं, ठीक है ना? नहीं सर, नहीं, काम हो जाएगा तुम्हारा आज। सर मेरा मुझे बख्श दो, आवाज नहीं आ रही कान में, तेज बोलो, मुझे बख्श दो सर। चाचा, आज तुम्हें अब जाना पड़ेगा वहाँ और भोजन बनना पड़ेगा मगरमच्छ का। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। भैया मैं नहीं जा सकता, मेरी तो रोंगड़े खड़े हो गए। और रोंगड़े? हाँ जी हाँ जी। तो अब तुम्हें जाना पड़ेगा, देखो भोजन बनना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता जी, मेरी मजबूरी है समझो, मेरे तो बारह बच्चे छोटे छोटे। मिनी तो मेरे को डाल देंगे वो उसके अंदर। अब देखो स्टार्ट में लेके चल रहा हूँ तुम्हें, अब तुम्हें चलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा वहाँ, भोजन बनना पड़ेगा। सही, वो ऐसे नहीं खुलता, पासवर्ड बोलना पड़ेगा उसका। सुनो, ऐसे नहीं खुलता वो। सुनो 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 सुनो, लड़का है लड़का। अरे सुनो सुनो, वीडियो बनाते हैं, कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है। सुनो, कैमरा चल रहा है। अंकल बैठो बैठो बैठो, तो बैठो, तुम्हारे लिए तो आया हूं यार मैं। बैठो, सुनो, कैमरा चल रहा है। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मजाक वीडियो। डर गए बहुत ज्यादा? कैसे डर गए? ऐसे अनजान गाड़ी में ना बैठे, वो देखो सामने कैमरा। अंकल सुनो, इसीलिए बनाते हैं। बैठो बैठो, परेशान मत हो, कुछ नहीं, कहीं नहीं ले जा रहा आपको मैं। ये मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि जो अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं उनके साथ गलत ना हो जाए, समझ रहे हो? जी जी, हो सकता है ना गलत? जी गलत हो सकता है। अब ऐसा अनजान गाड़ी में तो नहीं बैठोगे? नहीं, भूले से भी नहीं बैठूंगा। मैं इसके लिए तो पीछे आता हूँ ताकि कोई भगे तो मैं पकड़ लूँ। बताओ कि भाई मजाक कर रहे थे, ऐसे अनजान गाड़ी में ना बैठे, इसीलिए पीछे चलता है साथ में। हाँ जी हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। जी जी जी, अब जो ये देख रहे हैं इनको क्या बोलना चाहोगे जो ऐसा अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं? मैं पूरे देश के नागरिकों को ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी अनजान गाड़ियों में या अनजान जगह पे सुनसान जगह पे ना बैठो, या किसी के बहका में आके किसी की गाड़ी में मत बैठो, हो सके आपके साथ में कुछ हादसा हो सकता, गलत हो सकता है। आप इन बातों को समझिए और समझ के चलिए, और अपने परिवार के साथ रहिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जी ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में डाल दीजिए। इसका मतलब आप पहले से वीडियो इस तरीके की देखते हो। जय हिंद जय भारत, और आपको मेरा सादर प्रणाम प्रणाम। आइंदा गलती ना करें सर, मेरे सामान तो गलती करे ही ना। अब तो नहीं बैठोगे ना ऐसे अनजान गाड़ी में? नहीं। अब बोल दो, वीडियो को लाइक करो, लाइक कर दीजिए, शेयर करो, शेयर करिए, और एसआर प्रैंक, और एसआर प्रैंक को सब्सक्राइब करें। एसआर प्रैंक को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, बिल्कुल। हाथ मिलाओ, अब तो नहीं बैठोगे ना ऐसे अनजान में? अब तो पूरा नहीं बैठोगे। ये लो मेरे साइड से कुछ रखो, ठीक है? ये लो,
ठीक है, खा लेना कुछ ले जाना, ठीक है ना, घर के लिए जी, ठीक, हाई कर दूं।